हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट टू लेसन नंबर 2.7 योनामाइन एंड बुशी। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि योनामाइन जो गर्ल है ओकिनावा, जो कि जापान का एक जगह है, वहाँ पे रहने वाली जो गर्ल है उसके बारे में जो स्टोरी हमें इस लेसन में दी है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे सिक्स स्टैंडर्ड के इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। योनामाइन चिरु वॉज द मोस्ट एडमायर गर्ल इन ओकिनावा। शी वॉज इंटेलिजेंट, टॉल, स्ट्रांग, big and beautiful, and most important of all, she was so well trained in karate that no one could beat her। तो देखिए, योनामाइन जो है ये जापान में रहने वाली एक लड़की है जो ओकिनावा में रहती थी। तो ये किस तरीके से उसकी क्वालिटी हमें यहाँ पे बताई है कि वो इंटेलिजेंट भी है, टॉल, स्ट्रांग एंड बिग एंड ब्यूटीफुल भी है, लेकिन इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या थी कि वो कराटे में ट्रेंड थी, जो कि कोई भी उसे ईजिली नहीं हरा पाता था। When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, began to worry। तो देखिए, हर एक लड़की जो होती है उसके फादर को ये चिंता होती है कि उसकी जो बेटी है उसकी शादी जब होगी तो उसके लिए एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से जो योनामाइन थी उसके फादर भी वरी थे कि उसकी जो बेटी है जो कि क्या करती है, कराटे में काफ़ी ट्रेन है, चैम्पियन है, तो उसके लिए किस तरीके से लड़का मिलेगा, तो इसके लिए वो भी परेशान थे। ही लव हिज डॉटर एंड वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी एंड वेल केयर फॉर। तो जैसे कि हर एक फादर अपने बेटी से प्यार करते हैं, तो उसी तरीके से जो उसके फादर थे वो भी अपने बेटी के लिए अच्छा ही सोचते थे। शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वुड इनहेरिट अ फॉर्चून फ्रॉम हिम, बट वेयर ओ वेयर कुड ही फाइंड अ यंग मैन हु वुड कम फॉरवर्ड टू मैरी अ वूमेन हु वॉज स्ट्रॉन्गर दैन हिम। तो उन्हें ये चिंता लगी रहती थी हमेशा कि बेटी की शादी तो करनी है, लेकिन ऐसा लड़का उन्हें मिलेगा क्या, या फिर सामने आएगा उसके साथ शादी करने के लिए कि जो इस तरीके से सोच सकता है कि उसकी वाइफ जो बनेगी वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके से कोई भी नहीं सोच पाता है कि अगर किसी इंसान की वाइफ उससे ज़्यादा कमाने वाली हो या फिर स्ट्रांगर हो तो वो उन लोगों को क्या नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए उसके फादर भी काफ़ी वरीड थे कि क्या इस तरीके से कोई लड़का उसके साथ शादी करने के लिए आगे आएगा, ये सोचते हुए कि जो उसकी होने वाली वाइफ है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांगर होगी। योनामाइन हैड हर ओन आइडियाज़ अबाउट मैरिज। लेकिन योनामाइन की अपनी खुद की कुछ आइडियाज़ थी मैरिज के बारे में। शी डिक्लेयर फर्मली, आई विल ओनली मैरी अ मैन हु कैन बीट मी इन अ फेयर फाइट। तो उसने ये बताया था कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो मुझे फाइट में हराएगा। सरप्राइजिंगली, मैनी यंग मैन पिक अप द चैलेंज एंड केम फॉरवर्ड टू फाइट हर। तो जो उसने चैलेंज रखा था कि जो उसे हराएगा उसके साथ ही वो शादी करेगी, तो कई सारे जो लड़के थे वो आगे आए ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। आफ्टर ऑल शी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल विथ अ फॉर्चून, कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी थी और कई सारी क्वालिटी जैसे हमने देखी, तो इसके कारण कई सारे लोग आगे आए थे। मैनी रेसलर वेयर ईगर टू विन हर इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ मार्शियल आर्ट्स, कि कई सारे लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे इसके लिए कि उस कॉन्टेस्ट में योनामाइन को जीता जा सकता है। वन ऑफ द फर्स्ट टू आस्क फॉर हर हैंड वॉज कोजो, हु वॉज एक्चुअली बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दैन योनामाइन। तो सबसे पहले जो उसका हाथ मांगने के लिए या फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आए था उसका नाम था कोजो, जो कि योनामाइन से काफ़ी बिगर एंड स्ट्रॉन्गर था। He was so tall and well built that his hands were like shawls and his legs resembled tree trunk. तो इस तरीके से उसके हाथ काफ़ी बड़े थे, उसके जो पैर थे वो ट्री ट्रंक की तरह थे। बट ही प्लेड फोल, प्लेड फोल का मीनिंग बेईमानी से, चीटिंग से, लेकिन वो किस तरीके से खेलता था, चीटिंग के साथ। इवन एज योनामाइन वॉज बोइंग टू हिम इन द कस्टमरी साइन ऑफ रिस्पेक्ट, कि जैसे देखिए जो रेसलिंग की मैचेस होती है तो जापान में, तो उसके स्टार्टिंग में ये लोग क्या करते हैं, बोइंग मीन्स झुकना, कि एक दूसरे के सामने झुक के रिस्पेक्ट दिखाते हैं एक दूसरे के लिए। तो उसी तरीके से योनामाइन जब उसके सामने झुकी थी टू वंस अपोनेंट, कि जो अपोनेंट खिलाड़ी होता है उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए झुका जाता है उनमें, तो वो भी इसी तरीके से जब झुकती है, ही थ्रू अ पंच एट हर। तो जो कोजो था, जो चैलेंज जीतने के लिए वहाँ पे आया था, उसने क्या किया, उसके ऊपर एक पंच मारा, ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द गेम, जो कि गेम के रूल्स के खिलाफ था।
योनामाइन वॉज एंग्री. तो ये देखकर योनामाइन काफ़ी गुस्सा हो जाती है. शी कॉट होल्ड ऑफ हिज आर्म एंड ट्विस्टेड इट सो पावरफुली दैट द अनसपोर्टिव कोजो फेल डाउन इन अ हिप एंड हैड अ लिम्प अवे डिफिटेड. तो यहाँ पे योनामाइन जब एंग्री हो जाती है तो उसके हाथ को पकड़ के वो क्या करती है, ट्विस्ट करती है और काफ़ी पावरफुली क्या करती है, उसके ऊपर अटैक करती है, जिसके कारण कोजो नीचे गिर जाता है. एंड लिम्प अवे का मीनिंग वो मिस लंगड़ा के चलना उस तरीके से, और हर वहाँ पे क्या होता है, उसकी हार हो जाती है और वहाँ से चला जाता है. मेनी प्रॉमिसिंग यंग रेसलर ट्राई देयर हैंड बट योनामाइन डिफिटेड देम ऑल. तो कई सारे रेसलर्स आए वहाँ पे चैलेंज जीतने के लिए, लेकिन योनामाइन सबको हरा देती है. हर फादर वॉज इन डिस्पेयर. तो उसके जो फादर थे वो निराश हो जाते हैं. यंग मैन वॉन्टेड टू मैरी गर्ल हु वुड कुक एंड वॉश एंड मेक टी फॉर देयर हस्बैंड्स. की जो यंग मैन होते हैं वो यही चाहते हैं कि उनके लिए ऐसी लड़की मिले या फिर ऐसी लड़की से शादी हो जो कि कुकिंग करना जानती हो, घर के सारे काम करने जानती हो और अपने हस्बैंड के लिए चाय कॉफ़ी खाना ये सब बनाती हो. हु वुड मैरी अ गर्ल हु एंजॉय रेसलिंग. कि ऐसे कोई चाहेगा क्या कि ऐसे लड़की से शादी करना जो रेसलिंग करती हो. बुशी कियो वॉज जस्ट सच अ मैन. तो एक ही ऐसा इंसान था जिसका नाम था बुशी कियो. ही हैड ट्रेन अंडर द कराटे मास्टर सकुगवा. तो ये काफ़ी क्या था यहाँ पे कराटे उनके जो कराटे मास्टर थे सकुगवा, इनके अंडर वो ट्रेन हुआ था. ही प्रूव टू बी सच एन एक्सपर्ट दैट ही वॉज रिक्रूटेड बाय शोको द किंग ऑफ ओकिनावा टू बी हिज पर्सनल गार्ड. तो उसने प्रूव किया था अपने स्किल को कि वो कितना अच्छा कराटे मास्टर है या फिर कितने अच्छे कराटे स्किल उसके पास है, जिसके कारण जो किंग था ओकिनावा का उसने एज अ पर्सनल गार्ड उसे रखा था बुशी कियो को. हिज फ्रेंड सेड टू बुशी यू शुड टेक ऑन द चैलेंज ऑफ दिस गर्ल योनामाइन. तो उसके जो फ्रेंड्स थे बुशी के उन्होंने कहा था कि तुम क्या कर सकते हो, जो योनामाइन है जिसने ये चैलेंज दिया है उसमें पार्ट ले सकते हो. शी मे बी बिग बट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर दैन हर. कि भले ही वो तुमसे बड़ी हो या फिर कितनी भी स्किलफुली हो या फिर कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम स्ट्रॉन्गर हो स्मार्टर हो तो हरा सकते हो. बुशी टू वॉज कीन अ मैरी अ गर्ल लाइक योनामाइन. तो बुशी भी यही चाहता था कि उसकी शादी भी ऐसी लड़की से हो जो रेसलिंग करती हो. ही डिड नॉट वॉन्ट अ डेलीकेट फ्रैगाइल गर्ल फॉर अ वाइफ. कि जो ऐसे नाजुक लड़कियाँ होती है या फिर सिर्फ घर के काम जीने आते हैं ऐसी लड़कियाँ होती है उससे वो शादी नहीं करना चाहता था. आई शैल फाइट विथ हर एंड विन ओवर हर ही डिसाइडेड. तो वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, उसे उसके साथ फाइट करेगा और फिर उसको जीत लेगा. योनामाइन वॉज इम्प्रेस एट द साइट ऑफ हर न्यू चैलेंजर. तो योनामाइन जो है खुश हो जाती है कि एक नया चैलेंजर आ गया है. शी हैड हर्ड दैट ही वॉज वन ऑफ किंग शोकोज पर्सनल वॉरियर. तो उसने भी ये सुना था कि जो भी चैलेंजर यहाँ पे आया था वो क्या है कि एक जो राजा है राजा का वो पर्सनल वॉरियर या फिर पर्सनल गार्ड है. ही वॉज टॉल एंड स्लिम. ही स्टूड फर्मली ऑन हिज फीट एंड सीम अनशेकेबल. अबोव ऑल ही हैड डार्क पर्सिंग आईज विच लुक स्ट्रेट एट दी अपोनेंट. कि वो क्या है, टॉल है, स्लिम है, उसकी जो डार्क पर्सिंग आईज है उसके साथ वो क्या करता है कि सीधे जो अपोनेंट है उसका उसके आँखों में देखता है, जिससे ये शो किया जाता है कि दैट ही वॉज फियरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. कि जो उसकी ये क्या थी, खासियत थी कि वो जब ऐसे मैचेस होते हैं तो उस टाइम जो अपोनेंट रहेगा उसके सीधे आँखों में देखकर ये दिखाता है कि वो फियरलेस मीन्स निडर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. द रेसलिंग मैच बिगैन. योनामाइन एंड बुशी बो टू ईच अदर एंड देन बिगैन टू अटैक ईच अदर. कि जैसे हमने देखा कि रेसलिंग के मैच शुरू होने से पहले जो है वो खिलाड़ी जो होते थे एक दूसरे के सामने झुक के रिस्पेक्ट दिखाते थे और उसके बाद मैच यहाँ पे शुरू होता है. दे पंच किक एंड ट्विस्टेड यूजिंग देयर बेस्ट टेक्निक्स. तो कराटे की जो भी टेक्निक्स उन्हें आती थी, पंच करना, किक मारना या फिर ट्विस्ट करना, तो ये सारे चीज़ें ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके उन्होंने मैच शुरू कर दी थी. इट लुक एज इफ द मैच वॉज गोइंग टू बी अ टाइट, नो बडी विनिंग नो बडी लूजिंग. तो दोनों भी बराबर के खिलाड़ी थे, दोनों को भी अच्छे टेक्निक्स पता थे, तो उनकी मैच देखकर सबको यही लग रहा था अगर दोनों की मैच अगर टाई हो जाती है, कोई भी अगर नहीं जीतता है नहीं हारता है तो फिर रिजल्ट क्या होगा. बट एट अ क्रूशियल मोमेंट इन द फाइट योनामाइन पॉज एवर सो ब्रीफली. लेकिन एक जगह पे ऐसे होता है मैच चलने के बाद कि मैच जब चलती है तब तो योनामाइन थोड़ा सा पॉज ले लेती है और उसी टाइम जो है बुशी टुक एडवांटेज ऑफ द मोमेंट एंड ब्रॉट हर डाउन विथ अ स्वीट पंच.
तो इस तरीके से यहाँ पे बुशी क्या करता है, जो उसने पॉज लिया था योनामाई ने, उसी मोमेंट पे वो क्या करता है, एक पंच मार के उसे नीचे गिराता है। योनामाइन्स फादर वॉज ए वेरी हैप्पी मैन। बुशी एंड योनामाइन वेयर मैरिड इन अ स्प्लेंडिड सेरेमनी। तो उनकी शादी हो जाती है। इट वॉज ए हैप्पी मैरिज। योनामाइन वॉज काइंड एंड लविंग। शी कुक एंड क्लीन एंड केप द हाउस स्पीक एंड स्पैन। तो उनकी शादी होने के बाद योनामाइन क्या करती है, अपने घर को साफ सुथरा रखना, घर के जो काम होते हैं वो भी करती है। वन डे वे शी वॉज स्वीपिंग द किचन, बुशी सॉ हर लिफ्ट अ ह्यूज बैग ऑफ राइस विथ हर लेफ्ट हैंड एज शी स्वेप्ट बीनीथ द बैग विथ हर राइट हैंड। कि जब ये देखती, जब जो योनामाइन है ये घर पे काम करती रहती है, तो उस टाइम जब वो किचन को स्वीप करती है, तो बुशी ये देखता है कि उसने काफ़ी बड़ी जो राइस की बैग थी वो अपने लेफ्ट हैंड से उठा ली है। मीन्स एक हाथ से ही वो इतने बड़ी बैग को उठा रही है। ही ग्रेव थॉटफुल, इज शी रियली सो स्ट्रांग, क्या सच में वो इतनी स्ट्रांग है। एंड येट आई ब्रॉट हर डाउन विथ वन पंच, और मैंने एक ही पंच में उसे हराया। तो ये सचमुच में इतनी स्ट्रांग है क्या कि उसने एक ही हाथ से क्या किया है, इस बैग को उठाया है या फिर बैग को उसने उठा के रखा है। वन डे योनामाइन अनाउंस दैट शी वुड लाइक टू विजिट हर पेरेंट्स। आई विल लीव इन द इवनिंग एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे इन टाइम टू कुक यूर डिनर, शी सेड टू हर हस्बैंड। तो एक दिन योनामाइन जो है वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है, तो मैं इवनिंग में चली जाऊंगी और दूसरे दिन जो है डिनर के टाइम तक आ जाऊंगी। यू रियली शुड नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट, बुशी सेड टू हर फर्मली। तो बुशी उसे कहता है कि तुम्हें रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। देर आर बैंडिट्स अबाउट, बैंडिट्स का मीनिंग होता है डाकू जो होते हैं। तो रात के समय में तुम्हें ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि डाकू भी हो सकते हैं। इट इज़ जस्ट नॉट सेफ फॉर अ वुमेन टू गो आउट अलोन आफ्टर इट इज़ डार्क, कि इतना अंधेरा होने के बाद रात के समय जो है औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए क्योंकि डाकू भी यहाँ पर रहते हैं। माई डियर हस्बैंड यू फॉरगेट दैट यू मैरिड अ ट्रेन रेसलर, योनामाइन सेड टू हिम विद अ स्माइल। तो योनामाइन हस्बैंड को ये आंसर देती है कि शायद तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी शादी एक ट्रेन रेसलर से हुई है। डोंट फॉरगेट दैट आई थ्री योर डाउन फ्लैट ऑन दी ग्राउंड सेड बुशी। लेकिन उसके बाद जो है बुशी कहता है कि तुम भी ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें एक पंच के साथ ही नीचे ग्राउंड के ऊपर गिराया था। यू आर नॉट अनबीटेबल, कि तुम अनबीटेबल नहीं हो, ऐसे नहीं है कि तुम किसी को भी हरा सकती हो, तो इसके कारण तुम्हें रात को नहीं जाना चाहिए। डोंट वरी सेड योनामाइन, तो जो योनामाइन है वो कहती है कि डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैंडिट्स आर नॉट एज स्किल एज यू आर, कि जो डाकू होंगे तो तुम्हारे तरह स्किलफुली नहीं होंगे कि जो मुझे हरा सकते हैं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि मैं मेरी केयर कर सकती हूँ। बुशी वॉज नॉट प्लीज, शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो बुशी सोचता है कि शायद योनामाइन जो है ये काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है। शी मस्ट बी टॉट अ लेसन फॉर अर ओन गुड, कि उसको ये दिखाना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंट होना उसके लिए अच्छा नहीं है, तो उसे एक लेसन सिखाना चाहिए। That evening योनामाइन left to walk to her father's home, और evening में योनामाइन अपने father से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। As soon as she departed, Bushi disguised himself as a bandit, तो Bushi जो है वो एक डाकू की तरह कपड़े वगैरह पहन के वहाँ पर जाता है। Wearing shabby clothes, smearing dark color over his hands and covering his face with a scarf, जैसे डाकू लोग होते हैं उसी तरीके से कपड़े वगैरह पहन के वो जाता है। He ran as fast as he could to hide behind a clump of trees at a fork on the road, कि वो चाहता है कि उससे पहले वो क्या करेगा, भाग के जल्दी से जाएगा और किसी पेड़ के पीछे छुप जाएगा। Darkness fell and he saw योनामाइन approaching the fork from where she would take a left turn to reach her father's house, की जहाँ पे वो अपने फादर के घर के लिए लेफ्ट टर्न करेगी वहाँ पे जो है बुशी छुपा हुआ था। When she crossed the clump of tree, बुशी jump out from behind the trees and tried to attack her. और उसी समय बुशी जो कि डाकू बन के वहाँ पे छुप गया था वो जंप करके बाहर आता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। योनामाइन वॉज स्विफ्ट एंड शार्प इन हर रिएक्शन टू द अटैक, तो योनामाइन जो कि रेसलर थी, कराटे चैम्पियन थी, तो इजीली जो अटैक उस पर होने वाला था उसे वो क्या करती है, यहाँ पे रोक पाती है। शी हेल्ड हर अटैक बाय द हैंड एंड किक हिम विद सच फोर्स दैट द अटैकर फेल टू द ग्राउंड, और उस अटैक को इस तरीके से रोकती है या फिर इस तरीके से किक करती है कि जो अटैक करने वाला इंसान है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। योनामाइन ड्रैग हिम एंड टाई हिम टू अ ट्री विथ हर सैश, तो योनामाइन क्या करती है यहाँ पे, उसे घसीट के लेके जाती है और एक ट्री से अपने जो सैश मीन्स कमर पे बांधने वाला जो कपड़ा होता है उसे क्या करती है, ट्री से बांध देती है।
शी एडजस्टेड हर बैकपैक एंड सेट ऑफ राउंड द कॉर्नर फॉर हर फादर्स होम. तो अपने फादर के घर के लिए चली जाती है. द नेक्स्ट डे एज शी वॉज रिटर्निंग होम इन द आफ्टरनून शी सॉ हर बैंडिट स्टिल टाइड टू द ट्री. तो जब नेक्स्ट दिन जब वो अपने घर के लिए निकलती है आफ्टरनून में, तो वो देखती है कि जो डाकू जिसे उसने बांध के रखा था ट्री से, वो वहीं पे था. एज शी हैड लेफ्ट हिम द प्रीवियस नाइट, कि प्रीवियस नाइट में जिस तरीके से उसने बांध के रखा था उसी तरह से वो वहाँ पे था. शाल आई अनटाई यू नाउ और लीव यू हेयर शी आस्क हिम. तो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें अनटाई कर दूँ या फिर यहीं पर छोड़ के चली जाऊँ. प्लीज अनटाई मी, मम्बल द बैंडिट. तो वो डाकू बोलता है, जो कि बुशी ही था, वो कहता है कि मुझे अनटाई कर दो, मुझे छोड़ दो. आई बेग यू टू फॉरगिव मी, आई शांट यू एवर सो एवर डू दिस अगेन. कि मुझे माफ़ कर दो या फिर मुझे इस तरीके से मैंने जो किया था उसे भूल जाओ, मैं फिर से इस तरीके से कुछ नहीं करूँगा. स्वीपली शी अनटाइड हिम एंड वॉक अवे क्विकली. वो जल्दी से उसे अनटाई कर देती है, छोड़ देती है और क्विकली निकल जाती है. शी वॉज इन अ हरी, क्योंकि वो जल्दी में थे, उसे अपने घर के लिए जल्दी पहुँचना था. शी हैड टू रीच होम इन टाइम टू कुक हर हस्बैंड्स इवनिंग मील, कि उसके हस्बैंड के लिए जो खाना उसे बनाना था इवनिंग में, उसके लिए वो जल्दी से निकल जाती है. लिटिल डिड शी रियलाइज दैट शी हैड जस्ट रिलीज हर हस्बैंड फ्रॉम हिज कैप्टिविटी. कि उसने यहाँ पे क्या किया था, एक डाकू समझ के अपने हस्बैंड को ही क्या किया था, रिलीज किया था. दैट इवनिंग क्वाइट अ वाइल आफ्टर शी हैड सेट द डिनर रेडी बुशी वॉक इन लुकिंग टायर्ड एंड डल. तो वो घर पे पहुँचती है और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना शुरू करती है, डिनर रेडी करती है. तब बुशी सामने से चला आता है, जो कि काफ़ी टायर्ड एंड डल दिख रहा था. शी हेल्प हिम वॉश एंड सेट आउट फ्रेश क्लोथ्स फॉर हिम टू वियर. तो वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती है कि वो फ्रेश हो जाए और कपड़े पहन के बाहर आए. शी इन्वाइटेड हिम टू हैव अ हॉट मील, और उसे इन्वाइट करती है खाना खाने के लिए. एज बुशी सैट डाउन टू डिनर ही ब्रॉट आउट अ वाइट सैश फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हीज वाइफ. तो जिस सैश मीन्स जो कमर पे बांधने वाला कपड़ा था, जिससे उसे ट्री से बांध के रखा था, उस कपड़े को वो अपने पॉकेट से निकालता है और अपनी वाइफ को देता है और कहता है, दिस इज यूअर्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही सेड लुकिंग इन टू हर आइज. कि वो अपने वाइफ से कहता है कि शायद ये तुम्हारा ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ. ओ बुशी वॉज इट यू, आई एम सो सॉरी, एक्सक्लेम्ड योनामाइन. तो योनामाइन को समझ में आ जाता है कि जिस डाकू को उसने मारा था और ट्री से बांध के रखा था, वो और कोई नहीं, उसका हस्बैंड बुशी ही था. यू डोंट हैव टू बी सॉरी, सेड बुशी, यू टॉट मी अ लेसन दैट आई वोंट फॉरगेट ऑल माई लाइफ एंड दैट इज डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी. तो यहाँ पे बुशी कहता है कि तुम मुझे सॉरी मत कहना, क्योंकि तुमने मुझे ऐसे लेसन सिखाया है जो मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता, कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नॉट इवन अ वुमेन. कि चाहे वो वुमेन भी है, औरत भी है, तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. ऐसे योनामाइन ने कहा कि जैसे कि यहाँ पे बुशी ने कहा था कि अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर योनामाइन ने आंसर क्या दिया कि नॉट इवन वुमेन, कि औरतों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. स्पेशली नॉट ए वुमेन, सेड बुशी. And they burst out laughing together. और जोर जोर से दोनों भी हंसने लगते हैं. कि इस लेसन से हमें क्या सीखने मिलेगा, देखिए कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, किसी को भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. तो आई होप स्टूडेंट आपको लेसन अच्छा लगा हो और समझ में भी आया है. तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए.